આપણી સાથે આગળ સેક્ટોરલ આઉટલુકની ઉપર, રિઝલ્ટ્સની ઉપર અને સાથે જ અહીંથી આગળ કેવી રીતના વર્કઆઉટ કરી રહ્યા છે આ બધા વિશે વાતચીત કરવા માટે કેએસબી લિમિટેડના એમડી રાજીવ જૈન જોડાઈ ચૂક્યા છે. હાય સર, શુક્રિયા મેરે સાથે જુડને કે લિયે, વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન. સબસે પહેલે મેં ઓવરઓલ રિઝલ્ટ સે શરૂઆત કરના ચાહ રહી થી, ક્યુંકિ હમ લોગ જાનતે ક્વાર્ટર વન કાફી સ્ટ્રોંગ રહા થા. ક્વાર્ટર ટુ કે અંદર હમ લોગ જો થોડે બહોત માર્જિન્સ કે અંદર ઇફેક્ટ દેખ રહે હૈ, ઉસી સે શરૂઆત કરે, કિસ તરીકે સે ટર્ન આઉટ હુઆ, યે પૂરા ક્વાર્ટર કૈસા થા, એક બેસિક ડિટેલ્સ અગર આપ મુજે દે પાએ. હા, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ હમે ઇસ શો પે આમંત્રિત કરને કે લિયે. जहाँ तक क्वार्टर की परफॉर्मेंस की बात है, ये अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वार्टर जुलाई टू सितंबर हमारे लिए रहा है. हमारे 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो इंडिया में, सबका आउटपुट अच्छा रहा है, सेल्स रेवेन्यू अच्छी रही है. और अगर जो हमारी स्टैंडर्ड बिजनेस है जहाँ पर हम एग्री प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से हमारे गोडाउन से बिक्री हुई है. सो ओवरऑल ये क्वार्टर हमारे लिए कंपेयर टू द फर्स्ट क्वार्टर भी सेल्स में भी अच्छी रहे, सेल्स में भी अच्छा रहा है. और ईयर टू डेट परफॉर्मेंस देखें पिछले साल से, तो भी काफी अच्छा सेल्स रेवेन्यू रहा है और मार्जिन्स भी करीब लास्ट क्वार्टर से तो बेहतर रहे हैं क्वार्टर वन से. सो मार्जिन्स भी इन स्पाइट ऑफ कोविड और कमोडिटी प्राइसेस, हम मार्जिन्स को भी कंट्रोल में रख सके हैं ये क्वार्टर में. ओके, अग्रीड सर. और ऑर्डर्स किस तरीके से वर्कआउट हो रहे हैं, कहां से सबसे ज्यादा क्वांटम आता हुआ दिख रहा है ऑर्डर्स? देखिए, केएसबी कंपनी सारे मार्केट सेगमेंट्स में पार्टिसिपेट करती है. जहां तक मार्केट सेगमेंट्स हैं वो एनर्जी पावर, ऑयल एंड गैस, एग्री, बिल्डिंग, इंडस्ट्री और केमिकल्स और आफ्टर मार्केट भी. तो सभी मार्केट सेगमेंट्स में केएसबी के पास प्रोडक्ट्स हैं और डाइवर्सिफाइड है. तो फिलहाल हमें सब मार्केट सेगमेंट्स में अच्छा डिमांड ग्रो हो रहा है, डिमांड पिकअप हो रहा है. अगर एनर्जी की बात करें तो एफजीडी का बिजनेस, न्यूक्लियर का बिजनेस कंटिन्यू एक अच्छी उम्मीद है और अच्छा इंक्वायरी फ्लो भी है. इंडस्ट्री में डिस्टिलरीज, पेपर एंड पल्प, स्टील, शुगर, सभी में अच्छा इंक्वायरीज और बिजनेस आता हुआ नजर आ रहा है. एंड बिल्डिंग में भी, बिल्डिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटीज और हाउसिंग स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सारे के वजह से अच्छा हमें बिजनेस पिकअप होता हुआ दिख रहा है. प्लस कंपनी की स्ट्रेटजी भी रही है कि हम एक आफ्टर मार्केट में अपना प्रेजेंस अच्छा करें, तो वो भी मार्केट में हम स्पेयर पार्ट्स हो या सर्विस हो, वो मार्केट भी अच्छी तरह खुल रहा है और उसमें भी हम ग्रो करने की उम्मीद रख रहे हैं आगे क्वार्टर्स में. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, मुझे एक्चुअली मार्जिन्स के ऊपर डिस्कशन करना है, लेकिन उससे पहले एक स्टेटमेंट जो मैं पढ़ रही थी आपके जो अब तक कमेंट्स थे उसमें, जो करंट सिनारियो दिख रहा है, ट्रेंड दिख रहा है, उसको देखते हुए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से डबल डिजिट ग्रोथ आने वाले 2 या 3 क्वार्टर्स में हम लोग देख पाएंगे, इसके ऊपर आपकी एक कमेंट, ये डिमांड कहाँ से इतनी बेहतरीन तरीके से आगे आते हुए आपको दिख रही है? और साथ ही डिस्कस कर ही रहे हैं तो मार्जिन के फ्रंट पे भी, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस का जो इन्फ्लेशन हम लोगों ने देखा है वो अक्रॉस द इंडस्ट्रीज रहा है और इसको कम्बैट करने के लिए काफी स्ट्रेटजीज कंपनीज अपना रही है. आपके लिए किस तरीके से इसको स्ट्रेटजाइज करने की प्लानिंग है, एक आइडिया अगर उसके लिहाज से आप मुझे दे पाए? पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑर्डर इनटेक की और ग्रोथ की. उसमें हम, जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी सारे सेगमेंट्स में डिमांड ग्रो हो रही है और डिमांड पिकअप हो रही है. एफजीडी एक ऐसा मार्केट है जिसमें कंपनी ने पिछले साल भी अच्छा किया था और इस साल भी कंटिन्यूसली जैसे भी ऑर्डर्स फाइनलाइज हो रहे हैं और उसमें अच्छा हमें मार्केट शेयर मिल रहा है. प्लस कन्वेंशनल जो कहते हैं हम एनर्जी, जहाँ वेस्ट टू हीट बॉयलर्स हैं, उसमें भी हमने इस बार काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी की है. उसमें हमें काफ़ी अच्छे मल्टी स्टेज पंप्स के ऑर्डर मिले हैं. इंडस्ट्री तो देख ही रहे हैं, उसमें पल्प एंड पेपर, स्टील, डिस्टिलरी एक सेगमेंट है जहां गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग का इजाफा किया जा रहा है और उससे काफ़ी सारे डिस्टिलरी प्लांट्स सेटअप हो रहे हैं, तो उसमें भी हमको अच्छा एक मार्केट शेयर मिला है. तो इन जनरल इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है. बिल्डिंग मार्केट मैंने कहा था कि स्मार्ट सिटीज और इसमें इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, तो ये भी एक अच्छा सेगमेंट है.
प्लस ऑयल एंड गैस भी हमारे लिए एक प्रोजेक्ट मार्केट है, तो काफी सारे ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस हुए हैं। सो कंपनी की ऑर्डर बुक सिचुएशन काफी अच्छी है। हम लोग इस समय करीब इंक्लूडिंग न्यूक्लियर 1200 करोड़ की ऑर्डर इनटेक और ऑर्डर्स ऑन हैंड सिचुएशन में है। पिछला क्वार्टर जो जुलाई टू सितंबर क्वार्टर था, अगर आप लास्ट 6 क्वार्टर्स का देखें तो सबसे बेहतर रहा ऑर्डर इनटेक और ऑर्डर्स इनटेक के। उसमें सबसे अच्छा एवरेज हमें मिला। अक्टूबर का महीना भी अच्छा ऑर्डर इनटेक, सो ऑर्डर इनटेक में डेफिनेटली एक अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। तो इसके वजह से और हम प्लांट्स भी रन कर सकें रख सकते हैं आगे क्वार्टर्स में भी, हमारे 6 के 6 प्लांट्स, तो हमें उम्मीद है कि ये ग्रोथ जो हमें पिछले क्वार्टर में मिला है वो कंटिन्यूअस आगे क्वार्टर्स में भी मिलता रहेगा। जहां तक मार्जिन का सवाल है, आपने सही कहा कि कमोडिटी प्राइसेस ने काफी काफी इम्पैक्ट किया है एंड वो कंटिन्यूअस लास्ट 1 साल से भी ज्यादा चल रहा है और हमें भी इम्पैक्ट हुआ है उसका। बट हमने थोड़े मिटिगेशन मेजर्स भी लिए हैं। मिटिगेशन मेजर्स में हमने अपना इंटरनल कॉस्ट सेविंग्स मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। उसमें हमने वो कहते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस है उस पर काफ़ी हमने काम किया है, उसको काफ़ी कंट्रोल में और रिडक्शन लाए हैं हम उस पर। वर्किंग कैपिटल पे भी काफ़ी हमने जोर दिया है, फोकस दिया है, उस पर भी कंट्रोल किया है। प्लस काफ़ी सारे डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन मेजर्स से हम अपना इंटरनल प्रोसेस एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ा रहे हैं और वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये सब एक्टिविटीज से हमको काफ़ी कुछ फायदा मिला है इसको मिटिगेट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अपना प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज करने की इनिशिएटिव लिया है। हम ज़्यादातर आफ्टर मार्केट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जहाँ पर मार्जिन्स बेटर होते हैं, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस। सो ये प्रोडक्ट मिक्स का भी एक इफेक्ट हम लाए हैं और कंटिन्यूसली आगे भी लाना चाहते हैं। और डेफिनेटली हमने कुछ ये जो कमोडिटी प्राइसेस है उसका मार्केट को भी पास ऑन किया है, क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है और सब इंटरनल मेजर से पूरा मिटिगेट करना नामुमकिन है। सो ये सब मेजर से हम देख रहे हैं कि हम इस पर काफ़ी कुछ इसका इम्पैक्ट हम कंट्रोल कर पाए हैं। अग्रीड सर। अच्छा, 2 या 3 चीज़ें मुझे समझनी थी आप जो बता रहे हैं उसके बारे में। एक तो सोलर पंप्स, आपने जो कन्वेंशनल के बारे में बताया, यहाँ से कितना बड़ा मार्केट साइज आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि ये एक सेगमेंट है जहाँ पे चीज़ें हम लोग अब उभरती हुई देख रहे हैं। एक तो उसके ऊपर आइडिया, और चूँकि गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, कौन से में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने ऑर्डर्स वहाँ से आते हुए देख रहे हैं, ये बाइफर्केशन अगर आप मुझे दे पाएं। हाँ, सोलर मार्केट आपने सही फरमाया कि इट इज़ वेरी बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है, और कुसुम योजना गवर्नमेंट की उसमें करीब 1.72 मिलियन पंप्स का एक पोटेंशियल है। ये कोविड की वजह से थोड़ा वो डिले हो गया था, तो हम इस मार्केट को भी स्टडी कर रहे हैं। फिलहाल हम थोड़ा इस मार्केट में लेट एंटर हुए हैं, बट अभी हमने काम इस पर बढ़ा दिया। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं सोलर मार्केट के लिए, हम लोग उसको रिव्यू कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, और धीरे धीरे इस मार्केट में हम भी एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि ये मार्केट डेफिनेटली आगे टाइम में बहुत बहुत बढ़ेगा और ये थोड़ा शिफ्ट होगा अपने नॉर्मल कन्वेंशनल मार्केट से सोलर मार्केट से। सो हमें इसका मार्केट का काफ़ी बड़ा पोटेंशियल दिखता है, और KSB में हम इसकी तैयारी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, टीम और सर्विस का नेटवर्क बढ़ाने के लिए। सो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये एक हमारे लिए एक अच्छा बड़ा सेगमेंट होगा। और जहाँ तक गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हम काफ़ी सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो वेस्ट वाटर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सोलर हो, उसमें हम ज़्यादा एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्टोरिकली हम लोग ज़्यादातर प्राइवेट मार्केट में रहे हैं, हमारा मेजर शेयर प्राइवेट मार्केट में रहा है। बट अगर आप बात करें एग्री, सोलार, वेस्ट वाटर में, इसमें हम लोग अभी इंक्रीज करना चाहते हैं। इसमें हमारा शेयर less than 10% रहा है पिछले टाइम में, वो हम डेफिनेटली आगे बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जहां तक बाकी सेगमेंट्स हैं, एनर्जी हुआ, जो पावर सेक्टर है, उसमें हम लोग NTPC के साथ जुड़े हुए हैं और उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं PSUs के, उसमें तो हम फुल्ली पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
जितने भी PSUs के प्रोजेक्ट आते हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस में हो, चाहे वो एनर्जी में हो और चाहे वो न्यूक्लियर में हो। न्यूक्लियर में KSB एक ऐसी कंपनी है जो प्राइमरी कूलेंट पंप्स के लिए इज द ओनली कंपनी जो क्वालिफाई हुई है। तो ये सारे PSUs गवर्नमेंट सेक्शन के साथ हम लोग क्लोज मिलके काम कर रहे हैं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ डेट कितना है फर्स्ट, ये जो FY22 के फर्स्ट हाफ को खत्म होते हुए हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपके बाकी सारे पैरामीटर्स की बात करें, रेवेन्यूज में 1000 करोड़ का मार्क ऑलरेडी इस साल के फर्स्ट हाफ में क्रॉस हो चुका है। प्रॉफिट की बात करें, तकरीबन 110 करोड़ क्रॉस हो चुका है। सेकेंड हाफ किस तरीके से वर्कआउट होगा, डेट के लिए क्या कंडीशन है ये प्रोवाइड कर पाए, और एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में आपने ऑलरेडी बताया, केपेक्स किस तरीके से उसके लिए लाइंड अप है? हाँ, जहाँ तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारी कोशिश है, जो भी हमने मेजर्स मैंने आपको बताए थे, इंटरनल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स और प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने के लिए, वो कंटिन्यू रहेंगे। और हम लोग ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की, उसको हम सेम आगे क्वार्टर्स में भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। हमको कोविड की वजह से काफ़ी, मतलब जैसे सारी कंपनियों को काफ़ी सेविंग्स था फिक्स्ड कॉस्ट का, वो आगे जाके एक बड़ा चैलेंज होगा। वो भी हम लोग टैकल करने की एक इंटरनल स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कैसे हम डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन के माध्यम से वो कॉस्ट भी कंट्रोल कर सके। तो आगे वाले क्वार्टर्स में मुझे लगता है कि हम लोग डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबिलिटी का एक स्ट्रेटजी रखी है, और वो उसको इंटरनल मेजर्स और मार्केट ग्रोथ से हम लोग वो मेंटेन करना चाहेंगे। जाके जहाँ पर कैपेक्स का सवाल है, हमारी कंपनी में करीब हम 80 से 100 करोड़ का सालाना करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट हम कंटिन्यू करेंगे। इन्वेस्टमेंट है कैपेसिटी एनहेंसमेंट में, कैपेसिटी बढ़ाएंगे हम अपने सिन्नर के प्लांट में, नया कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं शिरवल में, नई न्यूक्लियर के लिए नई मशीन्स ले रहे हैं, जो पुरानी मशीन्स हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं, 3D प्रिंटिंग जैसी मशीन्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं, नए सोलार के लिए नए प्रोडक्ट्स जैसे कहा मैंने। और KSB एक ऐसी कंपनी है जो एक लोकलाइजेशन में एक पाइनियर है, नए नए प्रोडक्ट्स जो हमारी जर्मन टेक्नोलॉजी से आते हैं उसको हम इंडिया में पहले लेके आते हैं। तो वो हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो कंटिन्यू रहेगा। FGD एक ऐसा प्रोजेक्ट था, हमने उसके प्रोडक्ट्स इंडिजनाइज किए हैं। स्प्लिट केस पंप्स गामा है, उनको हमने इंडिया में लाए हैं। तो आगे जाके भी हमारे पाइपलाइन में और भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग जिसपे काम कर रहे हैं और उसको लोकलाइज करेंगे, तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट होगा। डिजिटाइजेशन मैंने कहा ही था, तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी कंटिन्यूस करती रहेगी सालाना, और ये मेंटेन करके हमारे ग्रोथ को एक सपोर्ट करेगी। आफ्टर मार्केट पे भी मैंने कहा था एक अच्छा हमारा फोकस है, तो उसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है। जो हमारा सेंट्रल वेयरहाउस है उसको हमने एक्सपैंड किया है रिसेंटली, और उसका कैपेसिटी बढ़ाई है। हमने सर्विस स्टेशन खोले हैं, बद्दी में एक नया सर्विस स्टेशन खोला है, और ये सर्विस स्टेशन और भी खोलेंगे। सो एक ऑल अराउंड इन्वेस्टमेंट इन ऑल मार्केट सेगमेंट्स करके हम इसको आगे अपना ग्रोथ स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करेंगे, और इसी हिसाब से डबल डिजिट मिनिमम हम ग्रोथ हमारा टारगेट है। कंपनी की कैश लिक्विडिटी सिचुएशन भी अच्छी है, हमारा बहुत ही अच्छा कैश लिक्विडिटी लिक्विड है, और उसको हम इसमें इन्वेस्टमेंट में, सारा जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, हमारे ओन कैश इन हाउस कैश से हम यूज करते हैं, और उसी से हम आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कंटिन्यू रहेगा। और तो आई थिंक मैंने आपके सारे सवालों का, और कोई बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और एक कंप्लीट डिटेल्स मेरे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू।